प्रणाम। मेरा नाम भरत प्रभाकर संसार है। मैं पेंच से आया हूँ, रायगढ़ महाराष्ट्र। साधना 17 साल से कर रहा हूँ। जनवरी से आपके संपर्क में फेसबुक और मैसेंजर और यूट्यूब में आपके देख रहा हूँ। मैं तब से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी योग हुआ आने का। लेकिन आपके संपर्क में आने के बाद में आपसे कुछ मेरे को हासिल हो रहा है, मिल रहा है साधना, लेकिन मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता चल रहा है। इस तरह से यानी आप कहाँ है? हाँ, तुरंत मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? बहुत से साधक ध्यान कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्तिगत को मतलब एक को तो देखता नहीं हूँ। सरसरी निगाह मैं सभी पर डालता, सरसरी यानी ऊपरी तौर पर सभी पर निगाह डालता हूँ। तो मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि आप कहाँ पर हैं? मतलब मैं सही हूँ? हाँ, बस ये पूछो आप कहाँ पर हैं या अन्य जो चल रहा है वो सही है ना उतना? हाँ, तो मुझे नहीं मालूम आप किस तरह की साधना करते हैं, कब से कर, मतलब किसके मार्गदर्शन में कर रहे हैं? 2001 में मुझे जो दत्त महाराज कविश्वर करके शक्तिवाद योग साधना पूना से दीक्षा हुई थी। अच्छा। उसके बाद 3-4 साल के बाद वो गुजर गए। अच्छा। फिर उनके बेटे थे वो भी गुजर गए, और उधर से जो मठ था वो नासिक में जो थे ढेकने गुरु जी, उनके इधर उन ट्रस्टी हो गए। फिर वो सब संपर्क टूट गया, और उन्होंने उसी टाइम बोला था कि आपको दीक्षा हुई है, आप साधना करते रहना है, आपका वक्त होगा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, किधर पुनः भी मत आओ, कुछ एक जो दीक्षा हुई है आपका काम। वैसे उन्होंने सही कहा। हाँ, जब गुरु मार्गदर्शक अपना इस स्थूल शरीर को त्याग कर दे, ऐसा नहीं कि साधना बंद हो जाती, उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन में आपको या किसी भी अभ्यासी को चलते रहना चाहिए। 10-12 साल मुझे बहुत ये क्रिया तो बहुत होती रही, 10-12 साल होती रही, अभी 4-5 साल आके, लेकिन जनवरी से जब से मैंने आपको ये दिया है तब से मेरे को साधना में और तेजी आ गई है। आप पहली बार आए ना? हाँ, यहाँ पहली बार आए। हाँ, कोई बात नहीं। आप अगर आपका प्रश्न हो गया है या और भी बात कर सकते हैं, इतना ही है। मैं नए जो पहली बार साधक आए हैं, आज से या कल, हो सकता है कल मैं शक्तिपात करूँगा, और ज़्यादातर यही कि साधना अच्छी हो। नमस्कार। सभी साधकों पर करूँगा। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पांडे है, मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ आपके शिविर में, और करीब 1.5-2 महीने से जो बताए गए हैं आपके उस पर वो, हाँ, वो प्राणायाम उसी ढंग से करता हूँ। हमारी इस पोर्शन में काफ़ी दर्द होता है, खिंचाव हो रहा है। काफ़ी दर्द होता है, क्या मतलब? ये दर्द हो रहा है इस तरफ में, हमें लेटने वगैरह में काफ़ी थोड़ी असुविधा हो रही है। तो ये तो मैं शायद साधना में हमारी अशुद्धियाँ होगी उसको हम मानता हूँ, इसका नहीं। एक हमारी मेन प्रॉब्लम दूसरी ये है कि इस तरफ हमारे बहुत सारे 4-5 नस जो है जुड़ गई है एक ही साथ। अच्छा, आपका एक साइड ये थोड़ा वैसा हो रहा है, तो क्या हो गया? ये थोड़ा बाई बर्थ है, बचपन से ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। पैदाइशी है, इसका कोई ट्रीटमेंट उस समय नहीं था, अभी भी कोई ऐसा है नहीं, इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, और कई नसें एक साथ जुड़ गई हैं, इससे थोड़ा हमें सुविधा हो रही है। तो प्राणायाम ही, यही हमें एक सही डॉक्टरों ने बताया है कि आप इसको कीजिए, इसी से आपका ज़्यादा ये होगा। तो जो आपने बताया है वो तो मैं कर रहा हूँ, जो आपके उस पर यूट्यूब पे आया है वीडियो पे, वो तो मैं कर रहा हूँ। क्या इसको फास्टर जल्दी करने में कोई ऐसा ये है, ज़्यादा समय हम दूँ? हाँ, ज़्यादा समय दीजिए। समय तो हम ज़्यादा दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कठोरता ना बरतें, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि आपके नसें जुड़ गई हैं, उस पर अनावश्यक दबाव ना, मुझे नहीं पता कि किस तरह से। मैं तो काफ़ी पहले से कर रहा हूँ, बीच में छूट गया था, त्राटक वगैरह भी मैं करीब 15-20 मिनट तक कर लेता था, लेकिन बीच में छूट गया, कहीं कुछ असुविधा हुई इसके लिए छूट गया, अभी फिर से रिज्यूम किया हूँ, चालू किया हूँ। तो वो जो गैप बीच में था उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हुई है, तो ऐसा कोई ये है कि हमारी वो रिकवरी हो जाए, मतलब ये बना रहे, हम करता रहूं। इनफैक्ट मैं इसे करना ही चाहता हूं, ये साधना करना ही चाहता हूं, इससे जुड़ा रहना चाहता हूं। आप लगातार करते रहें, और जो डॉक्टर हैं वो क्या राय देते हैं? वो कहते हैं कि अब अगर ऑपरेशन हुआ तो एक्सेसिव बहुत सारे ये ब्लीडिंग हो जाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा तो ये उम्र में आपको एडवाइजेबल नहीं है, इवन पहले भी नहीं था, तो आज हमारे लिए केवल प्राणायाम है।
हाँ तो फिर अच्छी बात है। और किस जगह एक नशे एक जगह ये इस जगह में है, इस जगह और इससे यहाँ भी मतलब जुड़ी हुई है अभी, यहाँ इस तरफ। हाँ हाँ हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा इफेक्ट उस पर ज्यादा, यहाँ वाली थोड़ा, हाँ हाँ यहाँ थोड़ा सा वाली बात है। यहाँ यहाँ इसी तरफ अभी कुछ सीटी स्कैन वगैरह निकाले, सीटी स्कैन में कुछ गड़बड़ी आ रही है? हाँ, वो नहीं, कुछ गड़बड़ी नहीं है लेकिन थोड़ा सा असर है। तो किस तरह का दिखाई देता, धब्बा थक्का जुड़ा जुड़े का किस? जुड़े हुए हैं, उसे काट के निकाला नहीं जा सकता, अलग अलग नहीं हो सकता। अब केवल प्राणायाम ही है तो मैं ये कहूंगा कि आप भस्त्र का प्राणायाम ना करें, जोर से जैसे भस्त्र का प्राणायाम होता है ये ना करें, क्योंकि सारे शरीर में बहुत ज़्यादा नाड़ियों पर दबाव पड़ता है, तेज गति से करते हैं ना भस्त्र का प्राण। आप हल्के प्राणायाम करें ताकि आपके जो ये जो सारी नाड़ियाँ हैं ये अपने आप धीरे 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 ठीक होने का या जो भी है मजबूत होने का। इससे हमें राहत भी काफी अच्छा हुआ है, बहुत राहत हुआ है, दवा से ज्यादा इससे हमें हुआ है। बहुत ज्यादा भस्त्र का ना करें, यानी जोर से ना करें तेजी से। अच्छा, हाँ मैं यही राय दूंगा। लेकिन ये 2-3 बार अगर दिन में होता है, सुबह दोपहर शाम, तो इससे कोई? नहीं नहीं, वो और अच्छी बात, जितनी बार करें आप, ज्यादा से ज्यादा करें, 2-3 बार के आप अगर फुर्सत में हो तो आप करते रहे, उससे लाभ। वर्तमान में डॉक्टरी तौर पे नहीं होते, प्राणायाम से हो जाते ना, हाँ, वो हो। ऐसा बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अपनी जगह पर सही आ जाते हैं, लेकिन सही ढंग से किया। और इसको हम आगे भी करना चाहता हूँ, तो उसमें अगर एकाक बार और मार्गदर्शन हो जाए। एकाध बार आप पूछ सकते हैं, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद पूछ सकते हैं, कल पर। नहीं ये नहीं, अभी ये बार तो हम जितने जो यहाँ मिलेगा हम लेके जाएंगे, उसको करेंगे, पूरे जी जान से करेंगे। लेकिन इसके आगे अगर कोई, मान लीजिए हमने परीक्षा बहुत तैयारी की और एग्जाम ही ना हो, परीक्षा कोई लेने वाला ना हो, तो उसमें क्या होगा? आप रहते कहाँ, बम्बई रहते हैं या इलाहाबाद? बॉम्बे, यहाँ इलाहाबाद और बॉम्बे अप डाउन करता हूँ, लेकिन ज़्यादा बॉम्बे में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं भविष्य में कैसे कर सकता हूँ? नहीं, हम कहीं अगर ये हो, कोई अगर ये हो तो हम आने के लिए तैयार हूँ। इवन कानपुर भी हमारे लिए मतलब ये है, लेकिन हम जो मतलब फिलहाल मैं ऐसा अभी फिलहाल नहीं कह सकता हूँ कुछ, कि मैं आपको इस तरह का आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। वैसे तो मैं अपने यहाँ आने के लिए सभी को मनाही रखता हूँ। जिंदगी गुजर गई गुरु खोजने में, अब जवाब मिले गुरु जी तो एक एक सहारा दीजिए। मिले भी तो अंतिम दौर में मिले, हमारा भी सटल डाउन है। अगर 5 साल पहले मिले होते तो कुछ बात कुछ और होती। गए कई जगह गुरुजी, लेकिन कोई वैसा मिल नहीं पाए। जब जैसा प्रकृति की इच्छा, आपका कर्मों का निर्णय, सब कुछ कर्मों के द्वारा ही होता, मिलना बिछड़ना कर्म अपने ही होते हैं। चलो अंत में सही, अभी तो कुछ दिन मार्गदर्शन कर ही रहा हूँ, अभी दिसंबर है, नवंबर है, दिसंबर, बड़ी अच्छी बात। फिर क्या होगा मुझे भी नहीं पता, मैं अभी मतलब एकदम फाइनल नहीं कह सकता हूँ, सोच ही नहीं है। एक बार जो नए साधक है उनकी तरफ से भी प्रार्थना कर दीजिए कि एक बार मौका उनको और मिले, कम से कम आपको, आपके मार्गदर्शन का, यही हमारी प्रार्थना है आपसे, ज्यादा वक्त न लेते हुए। हाँ ठीक है, आप ईश्वर से प्रार्थना करें और खास तौर से प्रकृति से। ईश्वर मैं कह देता हूँ, सभी साधक कह देते हैं ईश्वर ने हमारी सुन ली, ईश्वर देखता या ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, ईश्वर वैसे कुछ भी नहीं करता, वो दृष्टा मात्र है। सही बात यह है, जो कुछ करती है प्रकृति करती है और हमारे कर्म करते हैं, यानी स्वयं के कर्म और प्रकृति, इन्हीं का आपस में सामंजस्य और सब कुछ उठा पटक मचाते रहते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, करिए आप प्रकृति से प्रार्थना। जरूर जरूर जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेम्बर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।